कार्यक्रम में आप मौजूद हुए मुख्य अतिथि के रूप में, क्या कुछ कहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर? ऐसा कार्यक्रम तो मैं जैसा इसके अंदर में आया पोदार जी के साथ जब आया, मैं सोचा नहीं था कि इस मैग्नीट्यूड का ये हो सकता है। और हमारे जितने बच्चे थे, जितना कॉलेजेस पार्टिसिपेट किए हैं, एक के बाद एक, मैंने जैसा एक झांकी क्रॉस करके दूसरा झांकी में गया, मैं आश्चर्य हो गया। मैं बढ़ा के कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इतना टैलेंट है इन बच्चों के पास। और एवरी थेमेटिकल इशू, जो भी थेमेटिक इशूज़ था, इतना अच्छा से वो डिपिक्ट कर रहे थे। बिना मुझे मालूम नहीं है जितना फैकल्टी मेम्बर्स और कौन इनको ट्रेनिंग दिया ऐसा, इतना अच्छा से। और जितना सोसाइटल इशूज़ है, हर एक झांकी के पास एक एक इशू मौजूद था। अगर मैं वो सब बोलना शुरू करता तो बहुत ज़्यादा मुझे बोलना पड़ता, इसीलिए उसको कम कर दिया। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ, हमारा ये स्टेट में इतना टैलेंट है और इतने अच्छे कर रहे हैं ये लोग, इनका फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है। नॉट नेसेसरली कि सभी लोग टेक्निकल लाइन में जाएं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ऐसा नहीं है। समाज में सभी का बहुत सारा ज़रूरत है। हम लोग का, मैं इसीलिए स्ट्रेस के बात किया, सभी के पास स्ट्रेस होता है। और ये सब जो माध्यम है ना, इसमें अब हम लोग का स्ट्रेस रिलीज होता है। और पेरेंट्स, बच्चे, टीचर्स, हम लोग सभी को भी सीखना चाहिए। मैं वहाँ पे, मुझे 10 मिनट लगा उसको क्रॉस करने के लिए, लेकिन एक मन हल्का हो गया उन लोगों को देख के। इट इज़ सिंपली मेस्मराइजिंग, बढ़िया है। कहीं ना कहीं सर, IIT एक टॉप लेवल की संस्थान है, तो आप यहाँ पे आए तो कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ के छात्र भी अब देश में एक अच्छा ओहदा रख सकते हैं अपने आगे। देखिए, छात्रों को विदेश में जाके कुछ प्रूव करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। हमारे छात्रों के पास ऐसा बहुत सारा क्वालिटीज हैं, ये चाहे हम IIT हैं या कोई दूसरा यूनिवर्सिटी है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, हमारे पास बहुत सारे सुविधाएं हैं, बहुत सारे उपलब्धियां हैं, बट यहाँ पे भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम लोग सिर्फ ये जो यूथ ब्रिगेड है ना, इतना बड़ा ब्रिगेड है, और यंग इंडिया को हम लोगों को एनर्गाइज करना है, उन लोगों को चैनलाइज करना है, प्रॉपर डायरेक्शन में लेके जाना है। जैसे मैं बोलूँ वो सुने, मेरा साथ आए, मैं भी उनके साथ चलूँगा, एंड देन ओनली विल बी थिंकिंग ऑफ ए ग्रेटर इंडिया, ब्राइटर इंडिया। BBMKO के लिए, IIT संस्थान के लिए क्या कुछ सहयोग रहेगा आने वाले दिनों में, अगर साइंस प्रोजेक्ट लगते हैं या अन्य कुछ अगर एक्स्ट्रा कुछ भी? प्रोफेसर पोदार को तो मैं यही बोला हूँ, जो भी जो कुछ भी हम लोग इनका जो BBMKO का जो रिक्वायरमेंट्स है, किसी टाइम में हमारे साथ अगर हमारे पास वो साधन है, डेफिनेटली विल शेयर। बहुत कम समय में इस आयोजन को किया गया, जैसा कि सर ने बताया, तो इस तरह के आयोजन से कहीं ना कहीं छात्रों पर उनके मनोबल को बढ़ोतरी मिलती होगी, तो ऐसे में इस तरह के आयोजन को लेकर क्या पूछा? नहीं, देखिए, इस टाइप का मैं हमेशा बोलता हूँ, पढ़ाना एक करिकुलर एक्टिविटीज होता है, जो को करिकुलर है, ये सब इस टाइप का अरेंजमेंट होना चाहिए। ये को है, इसको हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। हम अगर कुछ पढ़ाएंगे, मेन स्ट्रीम का कोई कोर्स पढ़ाएंगे, उसके साथ ये सब एक्टिविटीज़ होना ही है। लगातार 5 घंटा हम पढ़ नहीं सकते हैं, 2 घंटा पढ़ेंगे, कैफेटेरिया में जाएंगे, 15 मिनट जाके बातचीत करेंगे, चाय पियेंगे, दोस्तों के साथ कुछ मजाक करेंगे, फिर से क्लास को आ जाएंगे। स्ट्रेस लेवल को रिलीज करना है, उसको ले आना है।